ओके स्टूडेंट, नाउ कम टूवर्ड द एसिड सॉल्ट. एसिड सॉल्ट इज बेसिकली यू कैन से दैट अ सॉल्ट कंटेनिंग अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बाय द पार्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड एन एसिड साल्ट. बेटे जब हम एसिड सॉल्ट की बात करते हैं, इसको मैं इजी वर्डिंग में आपको क्लियर करती हूँ कि इसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती. मतलब आप इस एग्जांपल में देख लें कि इसमें H2CO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है. अब आप देखें एक साइड पे सिर्फ एक सोडियम है और जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं. अब एक वक्त में एक सोडियम ही सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है. अब क्या होगा कि एक एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बाकी इसका मतलब है एक हाइड्रोजन फिलहाल फिर भी रह जाएगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो सोडियम आ गया पीछे. अब एक एच बचता है, वो एच सी के साथ अटैच हो जाएगा और साथ सी ओ थ्री आ जाएगा प्लस वाटर. तो ये जो एन ए एच सी ओ थ्री हमारे पास बना है, ये बेसिकली हमारे पास एसिड सॉल्ट है. क्योंकि एसिड सॉल्ट में आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ही होती, बल्कि पार्शल न्यूट्रलाइजेशन होती है. जबकि अगर आप दूसरी इसकी एग्जांपल देखें, कार्बोनिक एसिड प्लस टू एन ए ओ एच. अब देखें यहाँ पे दो सोडियम दिए हैं और दो ही एच दिए हैं. अब ये दोनों एक दूसरे को, दो सोडियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गई है. जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए यानी एन ए टू सी ओ थ्री कोई एच बाकी ना रहे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल साल्ट. आप उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल साल्ट. और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा. इसका मतलब ऐसे साल्ट क्या होता है, दैट अ साल्ट कंटेनिंग अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड इट इज़ कॉल्ड द एसिड सॉल्ट.